शरद पवार के स्कूली दिनों का एक किस्सा है। उनकी क्लास के मॉनिटर का चयन होना था। क्लास में करीब 300 बच्चे थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे कारोबारी परिवार से थे। चुनाव में जो बच्चे खड़े हुए वो बारामती से पुणे आए शरद पवार को अपने मुकाबले का नहीं मान रहे थे, लेकिन बालक शरद ने हर सहपाठी से निजी तौर पर मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। वोटिंग हुई तो 80% बच्चों ने शरद पवार को ही वोट दिया। जीत के बाद वो अपने विरोधियों के पास गए और उनसे कहा, चलो साथ काम करते हैं। शरद पवार के इसी अंदाज ने बाद में उन्हें राजनीति में अद्भुत लोकप्रियता दिलाई और उनका सियासी कद कभी नहीं घटने दिया। उम्र की घड़ी टिक टिक करते हुए भले 83 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है, लेकिन इस उम्र में भी शरद पवार के चाहने वाले उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर देखना नहीं चाहते। और इसीलिए शरद पवार ने जब अपनी कहानी में एनसीपी के अध्यक्ष पद से दूरी का चैप्टर जोड़ना चाहा, तो कई समर्थक मायूस हो गए और कई बिफर पड़े। सभी भागों के लोगों की भी उनको विनती है कि आप ये निर्णय वापस लो। कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखे हैं साहब को कि आप अपना अध्यक्ष पद पे आपको ही रहना चाहिए, भले आप कोई कार्याध्यक्ष नियुक्त करे। शरद पवार समर्थकों के आगे झुक गए और 5 तारीख को इस्तीफे की वापसी का ऐलान कर दिया। ये पार्टी में बढ़ती गुटबाजी के बीच शरद पवार का अपना शक्ति प्रदर्शन था, या कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान, या शरद पवार ने एक तीर से कोई ऐसा निशाना साधा है जिसका अंदाजा अभी समर्थकों को नहीं है। कुछ भी हो सकता, क्योंकि सच यही है कि शरद पवार के मन की बात जानना लगभग असंभव है। त्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की ते खूप अनप्रिडिक्टेबल आहेत। त्यांच्या मनात काय आहे कधीच कळत नाही। किंवा एखादा त्यांना प्रश्न विचारला किंवा त्यांचा डिसिजन असला तर ते घरी येऊन आपण किती विचारलं तरी कधीच उत्तर देणार नाही। इस्तीफे की वापसी के साथ साफ हो गया कि शरद पवार अभी भी एनसीपी के कहानी के हीरो। इस कहानी की शुरुआत होती है 1958 से। इस तरीके से उन्होंने ये फैसला वापस लिया है, उन्होंने 2-3 चीजें साफ कर दी। एक, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई मुझे सत्ता में रहने का कोई मोह नहीं है, एक तरीके से, या वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते। दूसरा, उन्होंने दिखा दिया कि पार्टी में उनके इस्तीफे के बाद सारे लोग, सारे पार्टी के शीर्ष नेता, इंक्लूडिंग उनके भतीजे अजीत पवार, पार्टी के विधायक, पार्टी के रैंक एंड फाइल, सिर्फ उतना ही नहीं, बाकी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता भी उन्हें फोन करके ये कह रहे थे कि आपको राजनीति से छुटकारा नहीं लेना चाहिए। शरद पवार ने 1958 की एक दोपहर पुणे के कांग्रेस भवन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। वो उन दिनों बीएमसीसी कॉलेज के महासचिव थे। उन्होंने कॉलेज के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए यशवंत राव चव्हाण को बुलाया था और उनके सामने ऐसा जोरदार भाषण दिया कि यशवंत राव ने शरद पवार से कहा कि उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। शरद पवार ने ऐसा ही किया। यानी 65 साल से अधिक समय से शरद पवार सक्रिय राजनीति में है, और उनके एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के शॉकिंग किस्से को अलग रखें तो वो अभी तक यही कहते रहे कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। मेरी जो काम करने की अच्छी ताकत है वो 30 साल के आसपास है, इसे बाकी कुछ भी करिए, किसी साइज करिए, मगर उम्र की बात मत करिए। यानी आप कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल जवान, यानी जहाँ तक राजनीति का सवाल है आप जवान हैं।
65 साल की शरद पवार की राजनीतिक कहानी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने दोस्त और चाहने वाले बहुत कमाए। वो निजी तौर पर दोस्ती निभाना जानते हैं और सियासत में कब विरोधी पक्ष का दायरा लांघकर मदद करने वाले राजनेता के रूप में आ खड़े हों कहना मुश्किल होता है। जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो शरद राव जी मिले और कहा कि मुझे लातूर के भूकंप का अनुभव है, किस तरह से भूकंप से जूझा जाता है ये मैं जानता हूं। मैंने स्वयं इसमें भाग लिया है, मैं गुजरात की भी मदद करना चाहता हूं, गुजरात के लिए भी काम करना चाहता हूं। 750 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरद राव पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दिल्ली आने के बाद कई बार उनसे मशविरा लेते रहे और कभी कभी शरद पवार ने उन्हें ऐसे गुरु मंत्र दिए जिसकी झलक मोदी के कई फैसलों में देखी गई। त्यामुळे मोदी हे दिल्लीमध्ये आल्याच्यानंतर माझ्या घरी यायचे, काही प्रश्न असले तर मला सांगायचे आणि मी अन्य माझ्या सहकाऱ्यांच्याकडे बोलून हा त्यातनं मार्ग काढण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न करायचो। एक बार मैं इस्रायल उनके साथ गया था, काफी दिन साथ में थे तो मुझे एक बात बताते थे कि मोदी जी आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप लोग इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो, आप परवाह मत करो, जो मर्जी पड़े करते रहो, क्योंकि उनका अपना कन्विक्शन था। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि वो सियासत की बिसात पर कब कैसे और कौन सी चाल चलेंगे ये उनके खासम खास लोगों को भी कई बार पता नहीं होता। बीते 60 सालों की राजनीति में उन्होंने अपनी सियासी चालों से कई बार विरोधियों को पस्त किया है, बावजूद इसके उन्हें दोस्तों की कमी नहीं रही। हद ये कि ऐसे ऐसे सियासी विरोधियों से उनकी दोस्ती रही जिसकी आज कल्पना करना मुश्किल है। सडनली आपको जो है एकदम शरद पवार से कैसे मोहब्बत हो गई? मेरे पुराने बहुत ही पुराने दोस्त, अरे बाप रे बाप, पूछो मत। जब ये कोई नहीं थे पॉलिटिक्स में, आ रहे थे आहिस्ते आहिस्ते, तब से ये पुराना जो मेरा मातोश्री का बंगला था वहां आते थे। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। ये शरद पवार और बाला साहेब की दोस्ती ही थी जिसकी वजह से 2006 में सुप्रिया सुले निर्विरोध राज्यसभा में पहुंची थी। दोनों की दोस्ती उस समय शुरू हुई जब ठाकरे कार्टूनिस्ट और पवार यूथ कांग्रेस में थे। 1966 में शिवसेना के गठन के लिए होने वाली चर्चाओं में शरद पवार भी शामिल होते थे। इसी दोस्ती की वजह से 2006 के राज्यसभा चुनाव में सुप्रिया के खिलाफ शिवसेना ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसी तरह से चंद्रशेखर से उनकी अलग दोस्ती थी और राजीव गांधी से अलग। ये अलग बात है कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और छोटी बच्ची सुप्रिया के कहने पर वो शरद पवार के यहाँ खाना खाने पहुँचे तो राजीव गांधी को अच्छा नहीं लगा। वैसे दोस्ती के इतर शरद पवार की सियासी समझ ऐसी थी कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैं उनको एक शब्द यूज करूंगा, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, आप उसे हिंदी में अनुवाद करिए, यानी राजनीतिक बिजनेसमैन एक तरह से। शरद पवार जब युवा थे तब उनके साहसिक फैसलों ने उन्हें कद्दावर नेता के रूप में पहचान दी। उनकी बातों का लोगों पर गहरा असर होता था। यही वजह है कि एक जमाने में अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ सुशील कुमार शिंदे सिर्फ शरद पवार के कहने पर कांग्रेस में आए थे। बाद के दौर में शरद पवार ने अपने अनुभव से सियासी मसलों को हल किया और उस युवा नेता को प्रेरित किया जो सियासत की ABCD समझना चाहता था। और शरद पवार इस देश का ऐसे नेता है, व्यक्तिगत रूप से कहे तो मैं हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते आया हूँ और मेरा विश्वास उनका ऊपर ज्यादा है।
दिलचस्प ये कि सिर्फ कार्यकर्ता या राजनेता ही नहीं बल्कि वो आम लोग भी शरद पवार के मुरीद हैं, जिनका उनसे गहरा नाता रहा। शरद पवार ने हाल में अपने ड्राइवर गामा का जिक्र करते हुए लिखा है, अपने सार्वजनिक जीवन में कई करीबी सहयोगी मिले जिनमें मेरा निजी ड्राइवर गामा भी शामिल है। वो मेरे साथ बीते 43 सालों से है और वो मुझे राज्य के हर कोने में लेकर गया है, लेकिन कभी भी हमारा वाहन दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना गंभीर है। इसके अलावा मैंने कई संवेदनशील मुद्दों पर गामा के सामने चर्चा की है, लेकिन कभी भी एक शब्द बाहर लीक नहीं हुआ। गामा ने मेरा विश्वास हासिल किया है। गामा मेरे लिए कई बार अभिभावक की तरह होता है, जो सफर के दौरान मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है। दरअसल शरद पवार की पूरी सियासी यात्रा का मंत्र यही रहा कि अछूता कोई नहीं, और राजनीति का अर्थ चुनावी विजय भले हो लेकिन दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। पवार ने बिल्कुल अलग अंदाज में राजनीति की, जिसमें वो चाणक्य की भूमिका में होते हुए भी कभी जमीन से नहीं कटे, और यही वजह है कि वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे। मैं पहली बार महाराष्ट्र की विधानसभा का विधायक बना और तब से आज तक चाहे विधानसभा हो चाहे सांसद हो, प्रतिदिन देश के लिए कुछ न कुछ काम करने का मौका मुझे लोगों ने दिया। फिलहाल शरद पवार की सियासी कहानी एक तूफान के बाद फिर अपने ढर्रे पर आ गई है, लेकिन इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखकर शरद पवार ने हासिल क्या किया है ये अलग कहानी है, और इस कहानी के बारे में शरद पवार के सिवाय शायद ही कोई दूसरा जानता हो। आज तक ब्यूरो।